नीचे रैंक वालों को बैठा कर ऑफिसर अपना फायदा उठाने के लिए उन लोग हमको बैठाता है, लेकिन जो हमारा जो बेनिफिट जो मिलता है वो हमारा बेनिफिट पूरा ऑफिसर से लेगी। किसी व्यक्ति विशेष ने गलती की है, इस भारत के देश के संविधान ने गलती नहीं की है। भारत देश का संविधान अन्याय को रोकने के लिए उनको बाध्य करता है और न्याय करने के लिए भी उनको। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य, नाम केरल या केरला भी बोलते हैं, वहाँ से चलकर पूर्व सैनिक अपनी उपस्थिति जंतर मंतर पर दर्ज करा रहे हैं। 137वां दिन है जंतर मंतर पर ओआरओपी विसंगतियों के खिलाफ धरना लगातार जारी है और पूरे देश से लोग आ रहे हैं, केरल से कुछ लोग आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि केरल में इस समय माहौल क्या है, क्योंकि दक्षिण की खबर बहुत कम मिलती है, भाषा का भी दिक्कत रहता है, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं उनको भाषा का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सर, केरल में क्या हो रहा है, कैसे सोच रहा है पूर्व सैनिक? केरल में तो इसके बारे में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सारे। अच्छा, सभी में स्ट्राइक करवा रहे, बाकी जितना सपोर्ट इनको दे रहे हैं उतना सपोर्ट हम करवा रहे हैं। केरल में पूरा सपोर्ट है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि ऑफिसर्स का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है केरल में और उनका दबदबा ज़्यादा है, अभी जवान का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है नहीं बड़ा, तो वो लोग जो ऑफिसर्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग करना लोगों को, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, केरला से लोग आते हैं कहते हैं कि वो गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और धरने को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उनको क्या कहेंगे आप? उसके बारे में इतना विस्तार से मेरे को पता नहीं, मेरा ऐसे तो मेरा नॉलेज में इतना है नहीं। अच्छा, लेकिन आपका ये बात तो है, कितना टाइम लगता है वहाँ से केरला से यहाँ दिल्ली के लिए और कितना समय लगता है, कितना खर्चा हो जाता है उसके बाद भी आप आते हो, कुछ बताएंगे? तकरीबन 50 घंटा लगता है। 50 घंटे लगता है ट्रेन में? दो दिन लगभग, ढाई दिन। और उसके बाद खर्चा भी होता होगा? खर्चा भी होता हो, उसके इतनी दूर से आते हैं तो क्या उम्मीद है कुछ कि वो आरोपी की विसंगतियों को सरकार दूर करेगी? करेगी। सर, जैसा ये हो रहा है बात, इतनी दूर से आ रहे हैं, क्या माहौल है, क्योंकि दक्षिण का ज़्यादा कम पता लग पाता है, आप ही बता सकते हो क्योंकि आप खुद वहाँ से बिलोंग करते हैं। सब मेरा नाम श्रीनिवासन है, नाइक श्रीनिवासन। मुझे पता है कि मैं केरला का तीन संगठन है, वो तीन संगठन में मैं लाइफ मेंबरशिप भी है, लेकिन जो एक्सर्विस लीग है उसमें ज़्यादा सब ऑफिसर लोग है। वही मैं कह रहा था कि एक्सर्विस लीग की जब बात करी जाती है केरला की, तो ऑफिसर लोग हैं वहाँ पर और वो पूरी तरीके से वो समर्थन में है नहीं, वो मिस गाइड कर रहे हैं, वही मैं पूछना चाह रहा था। क्या इन्फॉर्मेशन? वो मिस है, हमारे जैसे नीचे रैंक वालों को बैठा कर ऑफिसर अपना फायदा उठाने के लिए उन लोग हमको बैठाता है, लेकिन जो हमारा जो बेनिफिट जो मिलता है वो हमारा बेनिफिट पूरा ऑफिसर से लेके जाता है। अच्छा, हमको दबा रखता है, इसीलिए हमको बहुत उसमें परेशानी है। इसीलिए हमारा जवान लोग ये सोचा होगा कि ऑफिसर लोग बैठा हो तो हमको भी मिलेगा, लेकिन जवान को अभी पता चल रहा है, जवान को नहीं मिल रहे कि जागरूकता आ रही है। अभी जागरूकता तो उनका आ रहा है, मैंने कुछ बताया हुआ है, हमारा संगठन में कोई भी संगठन ऑफिसर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि हमारा इस्तेमाल कर वो फायदा वो लेके जा रहा है। इसीलिए 23 तारीख की क्या तैयारी है? अभी 23 तारीख मैं बताया हुआ है सबको, मैं जो संगठन में रहता हूँ उन सबको मैं बताया, बच्चों जब बच्चे रोने से माँ का दूध मिलेगा, नहीं है तो माँ का दूध नहीं मिलेगा। मतलब अगर जब डिमांड करोगे तभी सरकार सुनेगी, अगर नहीं डिमांड करोगे तो सरकार नहीं सुनेगी। हाँ, हम डिमांड देना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी संगठन के आदमी लोग पूरे के पूरे 23 तारीख को चंदन मंदिर में पहुँचाना चाहिए, तभी हमारा संघों को उनको मालूम करना चाहिए, तभी सरकार उसको हमको जरूर उसको। ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों को गिना जाता है तो बंदों को तोला नहीं जाता। जब लोकतंत्र की बात होती है तो संख्या बल मायने रखता है, क्योंकि
कितना जितना बड़ा संख्या बल होगा उतना सरकार पर प्रेशर पड़ता है, वोट से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। वो पार्टी पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफेंस है, हम डिफेंस में जो हमको जो चीज़ हमको मिलने हैं वो जरूर मिलना चाहिए और सरकार उसको मान जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। जब तक हमको हमारा चीज़ नहीं मिलेगा तब तक हम यह ग्राउंड छोड़कर हम नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान में जितना भी फौज लोग है उन सब के लिए नहीं, मुझे कोई पार्टी पैसा देकर मैं भेजा नहीं, मेरे को कोई संगठन पैसा नहीं दिया, मैं अपना खुद के पॉकेट से मैं एक बार आने में 20,000 होता है, ऐसे मैं दो बार इधर आ चुका है। बहुत मुश्किल हालात हैं, केरला से सैनिक है, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, सब जगह से 23 तारीख को आएंगे। 23 तारीख को सर क्या माहौल रहने वाला है, क्या लग रहा है आपको? कुछ तो लोग कह रहे हैं कि खबर पहले ही आ जाएगी, सूत्र कह रहे हैं कि भाई खबर मिलने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, क्या लग रहा है आपको? सर मुझे तो ये लग रहा है कि 23 तारीख को खबर क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो तो एक 23 तारीख का मसला है, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले सर ऐसा होता तो ये अन्याय नहीं होता, न्याय होता, और इस देश का संविधान ऐसा करने से रोकता है। रही संख्या बल की, संविधान अगर न्याय हो जाए तो क्या दिक्कत है? सर न्याय तो होगा, व्यक्ति विशेष कोई भी बैठा हो संविधानिक पद पर, न्याय तो होगा, इसका अधिकार हमें संविधान देता है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, न्याय तो होगा और न्याय देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष ने गलती की है, इस भारत के देश के संविधान ने गलती नहीं की है। भारत देश का संविधान अन्याय को रोकने के लिए उनको बाध्य करता है और न्याय करने के लिए भी उनको बाध्य करता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो इस संविधानिक पद का पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं रखते, संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं रखते। कहाँ से आए हैं सर आप? हरियाणा से, हरियाणा से। हरियाणा में तो कहते हैं कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा समर्थन जो मिलता है हरियाणा पंजाब से इस पूरे धरने को मिलता है, क्या माहौल है हरियाणा में? हरियाणा में बहुत ही अच्छा माहौल है सर, हर आदमी मतलब डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होते हैं, जागरूक है लोग, खूब जागरूक है सर हरियाणा में, खूब जागरूक। क्या माहौल है 23 तारीख के लिए, क्या तैयारी है? 23 तारीख के लिए पूरी तैयारी है सर, जंतर मंतर पर सभी ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार तो पहले ही रोक लेगी, बसें रोक देगी, ट्रेन रोक देगी, बीच में रोकेगी, आपको डिस्पर्स करेगी, क्या करोगे सर? कोशिश तो ये है कि हम एक दो दिन पहले ही आ जाएं। ट्रेन में आ जाएंगे? हाँ ट्रेन में आ जाएंगे, ट्रेन में आ जाएंगे। हाँ एक दो दिन पहले आ जाएंगे, नहीं रिश्तेदारों को दिल्ली में पहले ही आ जाएंगे, किसी रिलेशन के पास रुक जाएंगे रात को। देखिए ये जो जज्बा है, ये जो सोच है कि येन केन प्रकरण अगर सरकार रोकना चाहे तो इन्होंने भी कमर कस ली है पूर्व सैनिकों ने कि 2 दिन पहले आएंगे 3 दिन पहले आएंगे, लेकिन 23 तारीख की जो बड़ी कॉल है उसको हर हाल में सफल बनाने की योजना है। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल का समय होने वाला है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होगा, मानसून सत्र, पार्लियामेंट बैठी होगी, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग उपस्थित होंगे, और ऐसे समय में अगर पूर्व सैनिक आते हैं तो, क्योंकि पूर्व सैनिकों को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, तो सेना के भी जो लोग अर्धसैनिक बल या जो लगाएगी सरकार वो भी इन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि वो इन ये उनके बुजुर्ग हैं, ये भी तो सैनिक ही हैं, तो उनका भी बड़ी सरकार के प्रति, इनके प्रति और सरकार के प्रति जो उनका प्रेम भाव है या जो अपनापन है उससे व्यवस्थाएँ बिगड़ सकती हैं। सरकार को चाहिए कि पहले ही इस मामले को निपटा ले कैसे ही करके, क्योंकि इन्होंने भी 3 जजों की कमेटी की जो डिमांड रखी है वो तो न्यायोचित डिमांड है। अगर ऐसा सरकार कर लेती है तो मुझे लगता है समस्या सॉल्व हो सकती है, या ये जो सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच जो उपापह की स्थिति है, क्लेश की स्थिति है, एक द्वंद्व की स्थिति है, वो शायद ना हो, क्योंकि अगर ये लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे तो लोकतंत्र के हित में वो अच्छा नहीं होगा। सरकार की जिम्मेवारी है इसे रोके। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।